जय मित्र दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे तेईस के बी लेके और कम से कम आपको छब्बीस तक बता दे समझे चलिए स्टार्ट करते हैं तेईस के बी में कुछ है हाँ नहीं फिर भी आपको देखिए थोड़ा बड़ा करके दे दिया लेकिन इसमें कुछ है हाँ नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में और कुछ नहीं इसमें तेईस के बी में फिर भी आपको समझा देते देखिए दो पार्टनर है सोनू और रजत दो पार्टनर है अपने प्रो ये सोनू देता है आठ लाख रुपया और रजत देता है छः लाख रुपया यहाँ तो कोई समझने वाली बात नहीं है और दोनों मिलके क्या बोला कि तीन अनुपातों में हम अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे चलिए कोई दिक्कत नहीं उसके बाद क्या बोला है पार्टनरशिप डीड में, में क्या दिया है कि सोनू को हम सैलरी देंगे बीस हज़ार रुपया पर मंथ सोच लीजिए और रजत को जो जितना भी टर्न ओवर होगा इसमें देखिए आपको बीस लाख रुपया टर्न ओवर दिया हुआ है तो बीस लाख का पाँच दे देंगे हम किसको रजत को और बीस हज़ार गुणे करके हो जाएगा तो वो आपको सैलरी दे देंगे आपको सोनू को उसके बाद क्या कर रहा है कि देखिए अगर हम ड्राइंग करेंगे तो उस पर छः परसेंट से लगेगा ब्याज और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी दिए हुए आठ लाख छः लाख तो उस पर आठ परसेंट से लगेगा चलिए देखते हैं क्वेश्चन उसमें कुछ है नहीं बुरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा हम बना देंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तो हम देखेंगे बोल रहा है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कि बीस हजार रुपये पर मंथ आपको सैलरी देना पड़ता है देखिए तो हम पहले सैलरी दे देते हैं किसको सोनू की सैलरी देंगे एक ही आदमी को देंगे तो बीस हजार रुपया पर महीना तो पूरे साल का कितना हो जाएगा तो बीस हजार गुना बारह तो आपको हो जाएगा दो लाख चालीस हजार रुपया ये आपको क्या सैलरी देंगे किसको सोनू को इसका सैलरी हो जाएगा दो लाख चालीस हजार रुपया क्या तो सो, सोनू को सिर्फ सैलरी देना है रजत को क्या देना कमीशन कमीशन भी कितना तो जितना भी टर्न ओवर अगर होगा उसका पाँच परसेंट देखिए आपको टर्न ओवर कितना है पूरे साल का बीस लाख रुपया तो देखिए बीस लाख का पाँच परसेंट बीस लाख रुपया है बीस लाख का पाँच परसेंट मतलब पाँच छः सौ देख लीजिए काट देंगे तो हमारा हो जाएगा एक लाख रुपया मतलब क्या सोनू को सैलरी देंगे तो दो लाख चालीस रुपया जाएगा हमारे बिजनेस से और रजत को कमीशन देंगे तो वो आपको हमारा एक लाख रुपया जाएगा इसलिए इसको डेबिट साइड में देते हैं फिर क्या बोल रहा क्वेश्चन में और एक चीज़ बताया गया है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है कितना से आठ परसेंट से कैपिटल लगा है ये आठ लाख छः लाख उस पर हम देते हैं इंटरेस्ट चलिए देखिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं अपने आपको बिजनेस समझिए आठ लाख आठ लाख रुपया लगाया है कितने परसेंट से आठ परसेंट से आठ परसेंट से कैपिटल देंगे आपको आठ लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगा आठ परसेंट से देख लीजिए कितना हो जाएगा आपको डबल जीरो डबल जीरो कर जाएगा लेकिन किस मंथ तक दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, में देख लीजिए आपको पहले देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल की बात करें तो देखिए अठी चौंसठ डबल जीरो मतलब चौंसठ सौ रुपया हमारा हो जाएगा कैपिटल किसका सोनू का गलती से लिखा के और छः लाख का आठ परसेंट छः लाख दिया है ना छः लाख का आठ परसेंट ये क्या हो जाएगा आपको छः लाख का आठ परसेंट हो जाएगा आपको अड़तालीस सौ रुपये आपको रजत को कमीशन देना पड़ेगा कमीशन चले जाएगा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ऑनि सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चले जाएगा सोनू को देंगे कितना चौसठ सौ रुपया और रजत को देंगे अड़तालीस सौ रुपया ये हो गया प्रॉफिट यहाँ पे छूट गया प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे देखिए आप और बोल रहे हैं कि चार लाख नवासी हज़ार नौ सौ पचास रुपया इस साल हमको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कितना आया है चार लाख नवासी हज़ार नौ सौ पचास इसमें बोल दीजिएगा कमीशन में आप बात करेंगे तो कमीशन बोलिएगा कि आप टर्न ऑवर बोल रहा है इसलिए टर्न ओवर पर निकालेंगे इसलिए कमीशन में कोई आपको बिफोर आफ्टर वाला कोई केस ही नहीं है यहाँ पे बिफोर आफ्टर वाला जो पढ़े हुए थे वो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे समझे देखिए आप आपको चार लाख नवासी हजार नौ सौ पचास रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बाद क्या कर रहा है बोल रहा है कि ड्राइंग भी किए ड्राइंग किए तो बिजनेस पे को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ड्राइंग किए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यार देख लीजिए आपको ड्राॅइंग सिर्फ निकालना है इसमें और कुछ नहीं निकालना है देख लीजिए एक दिसंबर 2021 को निकाला बीस हजार रुपया देखिए एक दिसंबर 2020 को निकाला कौन आपको सोनू बीस हजार रुपया निकाला और रजत कब निकाला प्रत्येक महीना के अंतिम में निकाला है देख लीजिए आपको इस दोनों का आपको ड्राइंग निकालना आना चाहिए देखिए आपको दिसंबर में निकाला तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मतलब चार महीने का सिर्फ ब्याज देंगे कौन कौन देगा सोनू देख लीजिए बीस हजार रुपया निकाला छः परसेंट से ब्याज जाएगा चार महीने के लिए सिर्फ जाएगा चार दिया बारह डबल जीरो डबल जीरो कट जाएगा यहाँ पे तीन दुना छः मतलब चार सौ रुपया ब्याज देगा सिर्फ और सिर्फ कौन सोनू और रजत क्या बोल रहा है कि साल हर के हर महीना के अंतिम में हर महीना के लास्ट में ये पैसा निकालते रहता है आपको पाँच हज़ार रुपया तो पूरे साल में कितना निकाला होगा बारह महीना होता है तो साठ हज़ार रुपये निकाला होगा समझे आप देख लीजिए ये आपको पीरियड निकालना आता होगा हंड्रेड परसेंट पीरियड निकालना आता होगा

इधर जोड़ के पूरा घटा देंगे इसको जोड़ के घटा देंगे जितना भी माइनस में आएगा माइनस में आ जाएगा आपको चालीस हज़ार रुपया मतलब चालीस हज़ार रुपया हमको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे हम नहीं लिखे हुए हैं चालीस हज़ार रुपया हमारा क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो जीरो आठ चार बारह को दो छः चार दस एक ग्यारह ग्यारह हज़ार दो सौ इधर जोड़ के घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा चार लाख बिरानवे हजार में जोड़ के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा बचेगा चालीस हजार का जो कि हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट को भी बांट देंगे किस रेशियो में दो रेशियो तीन में यहां पे हम एक और एडजस्टमेंट करेंगे क्या करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पला दे देंगे सोनू के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा चालीस हजार का चालीस हज़ार का तीन रसें तो है ना चालीस हज़ार का तीन बट्टा पांच या आपको सोनू का चले जाएगा जितना भी होगा पांच अट्ठे चालीस चौबीस सौ रुपया चौबीस हज़ार रुपया और इसकी उसी के साथ साथ यहाँ यहीं पे करेंगे रजत का निकालेंगे तो रजत का हो जाएगा कितना आपको चालीस हज़ार का दो बट्टा पांच पांच अट्ठे चालीस अर्धुना सोलह हज़ार सोलह हजार रुपया किसका चले जाएगा प्रॉफिट वो आपको रजत के कैपिटल बढ़ जाएगा समझे बात तो इस तरीके से आप तेस के बिल बना दीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा तेईस के बी में कुछ नहीं बोला सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगा ड्रॉइंग बनाने में और कोई नहीं समझे कमीशन में भी कुछ होगा ही नहीं क्यों क्योंकि कमीशन में भी बोल जाएगा टर्न ओवर का पांच परसेंट टर्न ओवर बीस लाख रुपया दिया है तो बीस लाख का पांच परसेंट हम निकाल देंगे यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला तेईस बी में अब आते हैं आपको चौबीस में देखिए ए बी और सी जो है ना आपको तीन पार्टनर है अपने प्रॉफिट सॉरी कैपिटल लगाता को, है बीस हजार दस हजार चालीस हजार कोई कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या बोल रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हम बना लेते हैं आपको इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बोल रहा है कि देखिए एक हजार एक एक सौ रुपया जो है आपको इस साल का प्रॉफिट है कोई भी चार्ज करने से पहले कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले मतलब समझिए कि मोटा मोटी एक हजार एक सौ रुपया हमारा क्या प्रॉफिट है यहाँ पे समझे और क्या बोल रहा है आपको कि पाँच परसेंट से इंटरेस्ट दीजिए हर एक चीज़ पे मतलब कैपिटल जो लगाए हुए हैं इस पर ब्याज देना पड़ेगा बिजनेस को कि एक हज़ार एक सौ रुपया हमारा नेट प्रॉफिट है कमाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है अब क्या बोल रहा है ये जो पैसा लगाया है बीस हज़ार दस हज़ार पाँच चार हज़ार उसमें आप ब्याज दीजिए ए को कितना जाएगा बी को कितना जाएगा ए को देख लेते कितना जाएगा बीस हज़ार का पाँच परसेंट ए को चले जाएगा बी को कितना जाएगा बीस हज़ार का बीस हज़ार का सॉरी दस हज़ार पे लगाया ना सिर्फ दस हज़ार का पांच परसेंट और सी कितना लगाया है आपको चार हज़ार पे लगाया तो चार हज़ार का पांच परसेंट काट देंगे इसको भी तो हो जाएगा हमारा एक हज़ार रुपया इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा पांच सौ रुपया इसको काट देंगे तो हमारा हो जाएगा दो सौ रुपया पूरा बात करें सत्रह सौ रुपया हम आपको भी हम नहीं मतलब बिजनेस ब्याज देगा कमाए हैं एक सौ दस दस एक हजार एक सौ रुपया खर्चा हमारा हो गया सत्रह सौ रुपया मतलब इस साल हमको फायदा ही नहीं हुआ इस साल हमको लॉस हुआ तो लॉस भी क्या होता है ट्रांसफर होता है किसके अकाउंट में क्या पार्टनर के कैपिटल में तो लॉस भी किस रेशियो में देंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को तो क्या मानेंगे हम बराबर हिस्सा में मानेंगे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम बराबर हिस्सा में लॉस को बांटेंगे एक सत्रह सौ में से ग्यारह सौ घटेगा तो हमारा छः सौ बचेगा छः सौ को बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो तीन से भागा देंगे मतलब दो सौ रुपया लॉस लेगा ए बी भी लेगा दो सौ रुपया सी भी लेगा दो सौ रुपया समझे ये तो आपको पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट बन गया अब बोले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देखिए आपको पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कैपिटल बढ़ेता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं ये याद रखिएगा और कैपिटल कमता है तो हम डेबिट कर देते हैं याद है। है। बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं घटता है तो हम डेबिट कर देते हैं देखिए तो बैलेंस डाउन हुआ था तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ था मतलब मेरे कैपिटल में आपको बढ़ा हुआ था बीस हज़ार रुपया ए के पास था दस हज़ार रुपया बी के पास था और सी के पास कितना था चार हज़ार रुपया था ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या होता है कि कैपिटल बढ़ जाता है पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है पार्टनर का कैपिटल लेकिन वही फर्म का कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि फर्म देखिए मान लीजिए आप हम आपको हम जो पैसा देंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा अब मेरा पैसा कम हो जाएगा तो ये आपको फर्म जो पैसा देता है पार्टनर को तो पार्टनर का पैसा बढ़ जाता है मतलब कैपिटल बढ़ जाता है इसका इसलिए इसको क्रेडिट कर देते हैं तो एक हज़ार रुपया इसको मिला था पाँच सौ रुपया इसका और इसके बाद इसको लॉस मिलने से कैपिटल कम हो जाता है पार्टनर का समझे अब वही प्रोफिट मिलने से आपको बढ़ जाता है तो इसलिए इसको हम डेबिट कर दिए दो सौ रुपया से घट जाएगा देखिए इस साल हम बात करें तो इक्कीस हजार रुपया इसके पास कैपिटल था जिसमें दो सौ रुपया लॉस ले लिया तो पूरा मोटा मोटी बात करें तो बीस हजार आठ सौ रुपया इसका कैपिटल है अभी समझे दस हजार तीन सौ रुपया कैपिटल है चार हजार रुपया कैपिटल है आपको चलिए कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पे पच्चीस नंबर देखिए आप क्वेश्चन में पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है क्या ये भी दो पार्टनर यहां पे क्या बोल रहे मैनेजर को कमीशन देनी है देता है तो उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अभी तक, आएं, कमीशन देते हैं, तो तक दिखाते आए हैं और अभी तक दिखाए हैं तो आप समझिए जब हम कमीशन देंगे पार्टनर को तो हम किस अकाउंट में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉसोप्रियन अकाउंट में दिखाएंगे वही जो आपको हम मैनेजर को कमीशन अब देंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे समझे देखिए आपको यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि चार लाख रुपया तीन लाख रुपया ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस को बोला तीन देश दो बांटेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है क्या बोला रहा पाँच परसेंट हम ब्याज देंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर क्या बोला आपको कि एनुअल सैलरी आपको तीस हज़ार रुपया जो है यहाँ पे समझने वाली बात है कि पच्चीस नंबर में क्या बोलने वाली है थोड़ा सा समझने वाली बात है पे कि इस साल हम पूरे साल कमाए एक लाख बीस हजार रुपया तो आप प्रोविजन बनाइए पांच परसेंट से कमीशन देख समझने वाली बात है देखिए प्रॉफिट बोल रहा है कि एक लाख बीस हजार रुपये है प्रॉफिट तो है एक लाख बीस हजार रुपये मेरा एक लाख बीस हजार रुपये प्रोफिट तो है लेकिन यही एक लाख बीस हजार रुपये में से हम आपको तीस हजार रुपया जो है ना इसमें से नहीं तीस हजार रुपया हम सैलरी भी दे दिए और सैलरी देने के बाद हमको एक लाख बीस हजार बचा मतलब मेरे पास प्रॉफिट था डेढ़ लाख रुपया समझिए बात को जिसमें से तीस हजार रुपया हम सैलरी दे दिए उसके बाद जो बचा एक लाख बीस हजार रुपया बचा तो वो प्रॉफिट है एक लाख बीस हजार रुपया क्वेश्चन में ये दिया हुआ है

या तो पहला तरीका से ये बना सकते हैं दूसरा तरीका से आप क्या करेगा एक लाख बीस हजार मान के उसके बाद जो है ना आपको उसमें से आप सैलरी नहीं घटाइएगा समझे अगर एक लाख बीस हजार मानेंगे तो सैलरी नहीं घटाएंगे और डेढ़ लाख मानेंगे तो फिर से हम सैलरी घटा देंगे तो बात बराबर ही होगा तो बोले पांच से आप कमीशन जो है ना आपको बताइए कितना जाएगा देखिए यहाँ पे यहां पर देखिए आपको कि डेढ़ लाख रुपया हमारे पास प्रॉफिट था उस डेढ़ में हम मैनेजर को कमीशन देंगे ना कि एक लाख बीस हजार में से बात समझिए ये जो हम आपको कमीशन 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 जो जो देंगे आपको, कमीशन, वो, वो जो कमीशन देंगे आपको आपको वो वो डेढ़ लाख में से जितना भी कमाते हैं मैनेजर को उसमें से कमीशन दिया जाता है समझे तो आपको जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसमें से वो कमीशन लेता है कुछ परसेंटेज बांध देता है कि देखो अगर प्रॉफिट हमारा डेढ़ लाख होगा उसका पांच परसेंट लेंगे दस परसेंट लेंगे समझा और उसके बाद आपको जो जिसको देना है पैसा दीजिएगा हम आपको प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट पे आपको हम कमीशन लेंगे कोई दिक्कत नहीं ये बोल रहा है कितना परसेंट से लेंगे हम कमीशन पाँच परसेंट सॉरी पाँच नहीं हाँ पाँच परसेंट से बोल है कमीशन लेंगे चलिए डेढ़ लाख का पाँच परसेंट डेढ़ लाख का पाँच परसेंट डेढ़ लाख का पाँच परसेंट देख लीजिए आपको हो जाएगा पंद्रह परसेंट पचहत्तर रुपया तो मतलब डेढ़ लाख में पचहत्तर सौ रुपया ले लेगा तो बचेगा कितना 1, 42, एक लाख बयालीस हजार पांच सौ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस लॉसरेशन अकाउंट में जाएगा समझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाएगा कितना एक लाख बयालीसर कमीशन देकर पहले हटा देंगे मैनेजर कमीशन इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए क्योंकि मैनेजर कमीशन जो है ना मोस्टली टाइम इसी में दिखाया जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो समझे ट्वेल्थ लेवल तक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है अब क्या बोल रहा है कि एक लाख बयालीस हजार पाँच सौ में से आप पहले अब हम घटा देते हैं इसको सैलरी को तीस हजार रुपया तीस हजार रुपया घटा देंगे आपको सैलरी ये तो आपको चले जाएगा ये हमारा खर्चा इसलिए डेबिट कर देते हैं फिर आपको हमको क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए जो है आपको यहाँ पे चार लाख का पाँच परसेंट कितना हो जाएगा बीस हजार रुपया ठीक है मुँह से बन जाएगा और तीन लाख का पांच परसेंट पंद्रह हजार रुपया जो कि कैपिटल पे ब्याज देगा ये इसके लिए खर्चा है बिजनेस के लिए ए बी कितना जगह पैंतीस हजार रुपया ये खर्चा हो गया है कमाए हैं एक लाख बयालीस हजार पाँच सौ रुपया इतना दे दिए पार्टनर को सैलरी और आपको कैपिटल पे ब्याज और जो बचा आपको कितना सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपया हमको बचा सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपया हमको प्रॉफिट बचा तो ये कौन लेगा पार्टनर ही लेगा भाई लॉस होता है तो पार्टनर लेगा प्रॉफिट होगा तो नहीं लेगा तो वही लेगा तो देख लीजिए आपको सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपया जो है बचा हमको उसका तीन बट्टा पांच देखिए तीन रेसि दो को हम लिख सकते हैं तीन बट्टा पाँच दो बट्टा पांच हंड्रेड परसेंट लिख सकते हैं इसका पाँच परसेंट हो जाएगा जितना भी होगा उसका छियालीस हजार पाँच सौ रुपया ए का हो जाएगा और दो बट्टा पाँच सतहत्तर हजार पाँच सौ का हो जाएगा कितना इकतीस हजार रुपया जो कि आपको बी का होगा मोटा मोटी बात करें तो सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपया जो बचा हुआ था वो आपको किस कौन बाट देता है आपको पार्टनर बाट लेता है पूरा पार्टनर के पास चले जाएगा समझे हो जाएगा आपको पच्चीस नंबर में कोई दिक्कत नहीं छब्बीस नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको समझे छब्बीस नंबर थोड़ा सा ये आपको बोल दिया कि कुछ नहीं है छब्बीस नंबर थोड़ा सा दे दिया देखिए कि दो पार्टनर है आपको मनप्रीत और हरमप्रीत हर्म हरमीत एक लाख रुपया चालीस हज़ार रुपया देखे बिजनेस स्टार्ट किया चलिए कोई दिक्कत नहीं तो अपने प्रॉफिट को बोल रहा है तीन रेसियों एक में बांटेंगे यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं फिर क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दस परसेंट से देंगे ये क्या बोल रहा है कि हरमीत को पाँच सौ रुपये पर मंथ हम आपको सैलरी देंगे और क्या किया हरमीत आपको एक हज़ार रुपया जो है ना आपको दस हज़ार रुपया जो है ना आपको निकाल लिया पूरे साल में चलिए कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट तो हुआ हमारा छत्तीस हज़ार रुपया इस साल में प्रॉफिट हुआ हमारा कितना छत्तीस हज़ार रुपया चले कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट हो गया हमारा छत्तीस हज़ार रुपया इस साल का छत्तीस हज़ार रुपया और क्या बोल रहा है कि बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दो हज़ार रुपया और राइटिंग ऑफ एक हजार रुपया देख लीजिए आपको छत्तीस हजार प्रॉफिट तो हुआ हमारा लेकिन इसमें आपको क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है और फर्नीचर का भी आपको पैसा जुड़ा हुआ है आपको ये दोनों तो आपको खर्चा है हमारा खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना दिखना है फिर क्या बोला चलिए ये आपको दो चीज दिया हुआ है आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन और दूसरा आपको बैड डेप्ट भी जुड़ा हुआ है छत्तीस में मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब क्या हुआ इस दोनों कमीशन के बाद कमीशन चार्ज करने के बाद जो पैसा बचेगा उसका दस परसेंट आफ्टर यहाँ पे दे दिया है देखिए आपको आफ्टर चार्जिंग चलिए कोई दिक्कत नहीं वही हो जाएगा पाँच परसेंट दस परसेंट से तो एक सौ दस हो जाएगा क्या वही होगा ना और कुछ थोड़े ना होगा देख लीजिए आपको प्रॉफिट पूरे साल का है छत्तीस हज़ार रुपया जिसमें दो हजार रुपये हमारा खर्चा है डिप्रिसन पे और एक हजार रुपये हमारा बैड डेब पे तो ये दोनों पहले घट जाएगा छत्तीस हजार में से आपको क्या घट जाएगा आपको तीन हजार रुपये तो घट जाएगा छत्तीस हजार में से तीन हजार रुपये घट जाएगा मतलब बच्चे का कितना तैंतीस हजार रुपये तैतीस हजार का दस परसेंट से लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे दिया है यहाँ पे बिफोर नहीं आफ्टर लगा देता है तो आपको नीचे में जितना भी रहता है परसेंटेज उसका दस परसेंट जुट जाता है एक सौ दस हो जाएगा अब बिफोर रहता है दस बारह सौ दे देते लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो इसलिए यहाँ पे एक सौ दस, दस दे देंगे अब जो इसको काटेंगे तो देख लीजिए आपको ग्यारह तीस तैंतीस मतलब तीन हजार रुपया आपको कमीशन देना पड़ेगा मैनेजर को तो मैनेजर को कमीशन दे दिए मैनेजर को कमीशन दे दिए तीन हजार रुपया उसके बाद देखिए आपको जो बचेगा आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना बच जाएगा आपको बताइए तैंतीस हजार रुपया था तैतीस हज़ार में तीन हज़ार रुपये घट जाएगा तो आपको तीस हज़ार बचेगा ना तो ती ये तीस हजार रुपया आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बन जाए बन मतलब चले जाता है अब देखिए इसमें क्या क्या देना है आपको एक सैलरी देना है और दूसरा कैपिटल पर ब्याज देना है ब्याज देना दो चीज़ पहले हम आपको ब्याज दे देते हैं देखिए ब्याज देते हैं इसमें देखिए आपको एक लाख का ब्याज देना दस परसेंट से मुँह से बन जाएगा दस हज़ार रुपया चालीस हजार के दस परसेंट आपको कितना हो जाएगा चार हज़ार रुपया ये तो आपको आराम से बन जाएगा एक लाख का दस परसें दस परसेंट हो गया आपको दस हज़ार रुपया और चालीस हज़ार का दस परसेंट हो गया हो गया चार हजार रुपया तो चौदह हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा किस पे कैपिटल पे ब्याज देंगे तब और सैलरी देते हैं एक महीना में पाँच सौ रुपया ऐसा ऐसा बारह महीना आता है मतलब छः हज़ार रुपया हमको देना पड़ेगा कमाए तीस हजार रुपया खर्चा हो गया बीस हज़ार रुपया बचा कितना दस हज़ार रुपया तो दस हज़ार रुपया जो बचा है इसको हम क्या करेंगे बांटेंगे बांट देंगे तो देख लीजिए आपको किस रेशियो में बांटेंगे आपको तीन रेशियो एक में तो दस हज़ार का तीन रेशियो एक को हम बोल सकते हैं तीन बटा चार एक बटा चार हंड्रेड परसेंट बोल सकते हैं तीन बटा चार काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको चार दो नौ दस चार पाँच मतलब पच्चीस सौ रुपया तीन मतलब क्या पच्चीस से पचहत्तर सौ मनप्रीत का कैपिटल बढ़ जाएगा और हरमप्रीत का हो जाएगा पच्चीस सौ रुपया मतलब दस हज़ार रुपया हमारे क्या हो जाएगा प्रॉफिट को बांट देंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दिक्कत होगा डीएम करिए कमेंट करिए समझे चलिए थैंक यू सो मच